अक्षय कुमार ने कर दिया ऐसा मजाक कि रो पड़ी टीवी की नागिन। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म के जरिए मोनी रॉय बॉलीवुड में एंट्री कर रही है। फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभाया है। वो बंगाली किरदार में नजर आ रही है। साथ ही अक्षय कुमार भी बंगाली अवतार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म अगले हफ्ते रिलीज के लिए तैयार है, जिसकी प्रमोशन में दोनों ही जी जान से जुटे हुए हैं। फिलहाल ऐसे में सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय कुमार मोनी रॉय के साथ एक प्रैंक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार एक रिपोर्टर बनकर मोनी रॉय का इंटरव्यू लेते हैं। जब मोनी रॉय पूरा इंटरव्यू दे देती है, तब उन्हें पता चलता है कि वो रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार है। इसके बाद वो झेप जाती है और गुस्सा हो जाती है। इतना ही नहीं, वो रोने भी लगती है। आपको बता दें कि ये मस्ती भरा वीडियो अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बता दें, हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। गोल्ड एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें 1948 में ओलंपिक गेम्स में हॉकी टीम के गोल्ड जीतने की कहानी दिखाई जाएगी। ट्रेलर में कहीं भी मोनी रॉय की झलक नहीं दिखाई देती है। अक्षय के फिल्म में बोले गए बेजोड़ डायलॉग्स लोगों का दिल जीत लेते हैं। फिल्म का डायलॉग अभी तक इंडिया चुप था, अब हम बोलेगा तो इंडिया सुनेगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार हॉकी कोच तपन दास की भूमिका निभाएंगे। तपन दास बंगाल के रहने वाले थे, जिनका सपना भारत को किसी भी कीमत पर गोल्ड दिलाना था। ट्रेलर में अमित शाह और कुणाल कपूर भी दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। तो दोस्तों, अक्षय कुमार का ये प्रैंक आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और नव प्रभा लाइव को सब्सक्राइब करिए।